हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, आईटीआई वाले छात्रों के लिए डीजीटी का एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक, ये नोटिस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गलती थी। गलती का मेरा मतलब सिर्फ फोटो वाली गलती। ये नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधा इस पॉइंट पर आऊँगा कि राग मामला क्या है। ठीक है ना, उसके बाद मैं सीधा पॉइंट पर आऊँगा। सबसे पहले आप नोटिस समझ लीजिए, नोटिस आखिरकार है क्या। देखो, सब्जेक्ट है मिसिंग और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग फोटोग्राफ ऑन हॉल टिकट्स फॉर सीटीएस मेन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये बात हो रही है। मैं सिंपल सा भाषा में आपको समझा देता हूँ, देखो क्या मामला क्या है। देखो भाई, नोटिस में सिंपल ये लिखा है, सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट ये है कि भाई जिनके एग्जाम हुए हैं आईटीआई के, यदि उनके एडमिट कार्ड में फोटो को लेकर के, ठीक है, खासकर किसको लेकर के, फोटो को लेकर के यदि कुछ भी गलती है, सिर्फ फोटो को। मेरे को पता है, मेरे को कमेंट वो भी आएंगे कि भैया कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरे नाम में गलती है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ फोटो को लेकर के आई है अपडेट। ठीक है, नेम करेक्शन को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आप अपनी आईटीआई से मिलोगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में सुन लो ये क्या मामला है। इन्होंने कहा है कि यदि आपका जो एडमिट कार्ड है, हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में आपकी आधार कार्ड वाली फोटो आ रही हो, बच्चों वाली फोटो आ रही हो, या फिर ऐसी फोटो आ रही हो धुंधली आ रही हो जो साफ ना दिख रही, क्योंकि जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो है वही आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर आएगी। ध्यान रखना मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को, जो आपके किस पर एडमिट कार्ड पर फोटो है वही आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपने एडमिट कार्ड ओपन करो, ये चीज सबको नहीं करनी, ये सिर्फ उन्हीं छात्रों को करनी है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती है, मतलब फोटो में कुछ गलती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, करना क्या है आपको, सबसे पहले सिंपल है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि करंट एग्जामिनेशन जिन छात्रों के हुए उन्हें क्या करना है। सबसे पहले यदि आपकी कुछ भी हॉल टिकट में कुछ भी गलती है ना, फोटोग्राफ को लेकर के, तो वही छात्र इस चीज को करवाएंगे। ठीक है, और ये होगा कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जो चीजें होंगी वो होंगी एसआईडी पोर्टल पर जाकर के। किस पर होगी, एसआईडी पोर्टल पर। तो क्या सर खुद करना है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एसआईडी पोर्टल पर जाना है, आपको नहीं जाना। ठीक है, कौन कौन छात्र करवा सकते हैं, जिनका एडमिशन 2000 किस में हुआ है मेरे भाई, जिनका एडमिशन 2022 में हुआ, 23 में हुआ है, और जिनका एडमिशन 2022 में हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो मैं बोर्ड पर ही समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर सुन ले मेरी बात को। कौन कौन छात्र है मेरे भाई, जिनका एडमिट जो 2022 और जो 2023 के छात्र, यानी कि सेकंड ईयर वाले और भैया फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है ना मेरे भाई, ये दो छात्र हैं जिनको ये काम करना है। किनको, जिनके एडमिट कार्ड में गलती है सबको नहीं करना। ठीक है ना, अब होगा कैसे, सिंपल है, आपको क्या करना है, अपनी आईटीआई में जाना है। ठीक है, आपकी आईटीआई आपके एसआईडी पोर्टल को लॉगिन करेगी, है ना, एसआईडी पोर्टल को लॉगिन करेगी। उस लॉगिन जब वो करेगी तो भैया ये जो फोटो आपका अपलोड होगा तो ये लाइव अपलोड होगा। जैसे आपने कुछ फॉर्म देखे होंगे, जब कोई फॉर्म भरे जाते हैं तो आपकी बिल्कुल मतलब एक किस्म से लाइव फोटो अपलोड होती है, मतलब सामने खड़े होकर के सिस्टम के फोटो अपलोड होती है, तो वही चीज होगा। और इसमें भी दो अटेम्प्ट मिलेंगे, ध्यान रखना, दो बार ही फोटो अपलोड कर सकते हैं, तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से करवाना। मैं पहले बता रहा हूँ, खुद से कुछ भी एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गलती कर दोगे यदि खुद से कुछ भी चीज करोगे तो। ठीक है, यदि एडमिट कार्ड में जरा सी भी आपको फोटो में गलती लग रही है, फोटो आपका सही नहीं है, तो सिंपल बस मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, आपकी आईटीआई में जाओ बस, है ना, आपकी आईटीआई आपके पोर्टल पर जाएगी, वहां से आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगी। कैसे, आपको खुद जाना पड़ेगा, फोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लाइव फोटो अपलोड होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और वही आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसके एडमिट कार्ड में गलती है वो मिल लो भाई अपनी आईटीआई में जाकर के बस। और जिनके नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, और भी बहुत सारे एडमिट कार्ड को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो सिंपल है भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आईटीआई तो जा ही रहे हो, है ना, आईटीआई में आपका सब हर चीज का एक निवारण आईटीआई है। अभी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, नेम करेक्शन को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा करेक्शन वाला, वैसे मैं अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने आईटीआई में कॉन्टैक्ट करना इस विषय को लेकर के। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, नेम को लेकर के, बाकी फोटो को लेकर के भैया आपको सिंपल है, क्या करना है, अपनी आईटीआई में जाओ, यदि फोटो में कुछ भी गलती पाई जा रही है आपके, ठीक है, तो अपनी आईटीआई में जाओ,
और उसको सही करवा लो, क्योंकि वही चीज आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। हो सकता है बच्चों वाला फोटो आ रहा होगा आपके एडमिट कार्ड पर, आधार कार्ड वाला फोटो आ रहा होगा, और जिसका सही है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। जिसका प्रॉपर है, डेट ऑफ बर्थ सही है, कुछ भी मतलब प्रॉपर प्रॉपर एडमिट कार्ड है, फोटो भी सही है, मस्त एकदम से ना धोकर खड़े हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है ना, अपना टेंशन फ्री रहो। लेकिन जिसकी गलती है, कुछ एडमिट कार्ड में करवाना है फोटोग्राफ में, तो भैया कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव कैप्चर होगा आपका, ठीक है ना फोटो। चलिए तो आज के अपडेट को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ये डीजीटी की ओर से अपडेट आया है, तो आई होप लोग समझ चुके होंगे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।